आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में लोकार्पण और शिलान्यास का दौर जारी है। इसी क्रम में ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार को गृह जिले की जरूरतों को ध्यान में आकर्षित करवाया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने जिले में अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि पेयजल की समस्या के स्थायी निदान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विशेष प्रयासों से 376 करोड़ की लागत से चंबल जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया है। आज ये प्रेस वार्ता अंडर ब्रिज जेएच से 1000 बिस्तर के अस्पताल को जोड़ने के लिए 20 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आग्रह पर दी, उसके लिए धन्यवाद दिया है मैंने। और हम और माननीय सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें प्रदेश में जो ग्वालियर में जो विकास कार्य तेज से शुरू हुए हैं, उसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रेमचंद सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय विवेकानंद सुजलकर जी, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी को हमने इसके लिए धन्यवाद दिया।